292 सीटों के साथ एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। बीजेपी अकेले 240 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रिजल्ट के अगले दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। खबरें हैं कि 8 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ है। खासकर यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। पिछली बार जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी 64 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो वहीं इस बार बीजेपी को महज 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यूपी में भारी नुकसान के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर बीजेपी से गलती कहां हुई। हालांकि अब ये बात लाजमी है कि पार्टी हर मसले पर गहन मंथन जरूर करेगी, लेकिन इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक खास संदेश भेजा है। अब चुनावी नतीजों के अगले ही दिन, वो भी यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद, योगी के नाम ये खास संदेश कई अहम सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी ने भी सीएम योगी को बधाई दी है। ऐसे में अब ज्यादा देरी ना करते हुए आपको बता देते हैं कि आखिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता नतीजों के अगले ही दिन सीएम योगी को किस बात की बधाई दे रहे हैं। दरअसल आज यानी 5 जून को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्हें चारों तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का भी नाम शामिल है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके 52वें जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा है कि वो गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा है कि आपकी आत्मीय एवं ऊर्जावान शुभकामनाएं मेरे लिए अथाह प्रेरणा का स्रोत है। आपके यशस्वी मार्गदर्शन में विरासत और विकास को संजोए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना साकार हो रही है। शुभेच्छाओं हेतु हार्दिक आभार। अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। अमित शाह ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। वहीं पीयूष गोयल ने योगी को बधाई देते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में राज्य में सुशासन और विकास को नई ऊंचाइयां मिली है, ईश्वर से आपके कुशलतम दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। स्मृति ईरानी ने भी योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। स्मृति ने बधाई संदेश में लिखा है, आपके नेतृत्व में प्रदेश उन्नति के नए आयाम गढ़ रहा है, विकास का ये क्रम सतत बना रहे यही कामना है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ दीर्घायु जीवन हेतु प्रार्थना करती हूँ। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वे 2017 से यूपी के सीएम हैं। 2022 में उन्होंने लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।